तो ये देखिए, ये है जंगी जो सादा, इसका काढ़ा बन के तैयार है। और ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गेस्ट भी हैं, आए हैं भी हमारे पास में, तो इनको जुखाम हो गया है। तो इस जंगी जो सादा के काढ़े को हम लोग इनको पिलाएंगे, और इसके 3 से 4 घंटे बाद हम लोग इनसे जानेंगे कि इससे इनको कितना लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ। लाइव रिव्यू रहेगा ये, और एक हॉनेस्ट रिव्यू रहेगा वास्तव में कितना लाभ होता है। यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो पहले आइए जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत है। तो भैया, आपको इस समय क्या क्या तकलीफ है, थोड़ा बताइए, हमारे दर्शक लोग भी जानें। नमस्कार, मुझे सर्दी हुई है, सर दर्द है, हल्का हल्का बदन दर्द है, आँखों से पानी आ रहा है, सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, बदन टूट रहा है। और इनको थोड़ा थोड़ा आने लगभग बीच बीच में छींके भी आ रही हैं, और हो सकता है कि आपके पास आवाज़ हम लोग की थोड़ा स्लो जा रही हो, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, आवाज़ धीमे जा रही हो, परंतु ये कि हॉनेस्ट रिव्यू है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये जंगी जो सादा हल्का गुनगुना है, ये जंगी जो सादा बन के तैयार है, भैया इसको पियेंगे, और 3 से 4 घंटे बाद इनको जितना भी आराम मिलेगा, जितना इससे राहत मिलेगा, भैया खुद आप लोग को बताएंगे कि हाँ, इससे इतना हमको आराम मिला है। अभी आप इनको देख सकते हैं, और इनकी आंखें भी थोड़ी जुखाम की वजह से लाल हो गई हैं, और भैया सरदर्द इत्यादि परेशान भी हैं। तो भैया आप इसको लीजिए, पीजिए, और इसका स्वाद वगैरह भी बताइएगा, एक बार में पी जाइए, चाहे धीरे धीरे पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वैसे कड़वा आता है ये दवा, काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन अब जुखाम हुआ है तो पीना पड़ेगा। बहुत ही कड़वा है, उल्टी जैसा लगता है, मतलब मैं भी पिया हूँ, क्योंकि हमको भी कभी कभी अगर जुखाम हो गया साल भर में 1-2 बार तो पीते, इसको भी पी जाइए। बहुत हिम्मत करके पीना पड़ता है, बच्चे तो इसको पीते वक्त तो बहुत नाटक करेंगे, शायद वो ना पिए, पर हाँ आराम बहुत अच्छा करता है। तो अभी भैया ने इस दवा को पी लिया है, अभी हम अब 3 से 4 घंटे बाद फिर हम लोग मिलेंगे आपसे, और बताएंगे आप लोग को कि इससे इनको कितना आराम हुआ। तो 3-4 घंटे हम लोग वेट करते हैं। जैसा कि अब 8 घंटे हो चुके हैं इनको दवा खाए हुए, 4 घंटे बाद में इनको ज्यादा आराम नहीं हुआ था, और इनको जंगी जो सादा पिए हुए 8 घंटे हो चुके हैं। भैया से हम लोग जानेंगे कि इनको जंगी जो सादा से कितना लाभ हुआ है, और इनको सरदर्द में, सर्दी जुखाम में और बदन दर्द में कितना आराम मिला है, भैया खुद बताएंगे। तो भैया आप बताइए, आपको कितना आराम हुआ इससे, इस दवा से? नहीं, पहले से बहुत आराम हो गया है, जो सर्दी थी वो खत्म हो गई है, जो बदन दर्द था वो भी नहीं है, अब जो जुकाम था वो भी सही हो गया है। अभी फिलहाल बहुत फ्रेश फील हो रहा है और जी, एकदम अच्छा लग रहा है। तो भैया को हमने 4 घंटे बाद एक दूसरा पैकेट का भी डोज दिया था, तो 2 खुराक की दवा में लगभग इनको 70 से 80% आराम हो गया है जुखाम में, और जो नाक हल्का सा बह रही थी उसमें, और सर्दी में और बदन दर्द में इनको आराम है। तो आप लोग इस दवा को जरूर प्रयोग करें, और बहुत ही सस्ती दवा है, 5 रुपए का एक पैकेट मिलता है। तो भैया आप इसके दवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उपयोग करना नहीं, चाहिए? दवा बहुत ही असरदार है, आपको बुखार भी रहे तो उसमें ये काम आता है, और सर्दी वगैरह के लिए, बदन दर्द के लिए, जुखाम के लिए तो बहुत ही अच्छी दवा है। तो जैसा कि हम लोग बारिश के मौसम में, मौसम बदलने पे अक्सर सर्दी जुकाम और हल्के बुखार से जो वायरल फीवर होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जो फ्लू होता है, फ्लू के कारण जो बुखार आता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप लोग इस दवा को जरूर प्रयोग करें, और इसी के साथ में मैं आप लोग को इस काढ़ा को कैसे बनाएं, जो जंगी जो सादा तैयार किया जाता है उसको भी देख लीजिए, मैं खुद आपको बना के दिखाता हूं कि क्या है सही तरीका, और कैसे इसको बनाना है, कितना पानी डालना है और कितने देर तक पकाना है, हर एक चीज बताऊंगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसी प्रकार से कर लेना है, आप निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगे। बस 1-2 चीज का आप जरूर ध्यान दीजिए, यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार है। खाद्य पदार्थ, चावल, ठंडे फल जैसे केला हो गया, दही हो गया, अनार हो गया, ये सब आपको प्रयोग नहीं करना है, अमरूद हो गया, जितने भी ठंडे फल है आपको नहीं लेना है, मौसमी संतरा इत्यादि। तो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए और स्वास्थ्य संबंधित
टिप्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है जंगी जुसादा, और इसमें बताया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि एक पुड़िया को 200 मिलीलीटर पानी में, अर्थात लगभग एक गिलास पानी में या लगभग एक पाव पानी में, 250 मिलीलीटर मतलब एक पाव होता है, तो लगभग आप एक गिलास पानी में इसको डालना है पुड़िया को, और दो या तीन चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो शक्कर की जगह गुड़ डालना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि आयुर्वेद के नियम एवं सिद्धांत के अनुसार यदि इसके साथ में आप थोड़ा सा गुड़ मिला करके इसको बॉयल करें, अर्थात उबालें, इसका काढ़ा बनाएं, क्वाथ बनाएं, तो इसका प्रभाव अधिक होता है। और वैसे भी गुड़ जो होता है वो कफ रोगों को दूर करने वाला होता है, किसी भी प्रकार का कफ रोग हो और दर्द को भी दूर करने वाला होता है। तो आइए हम लोग इसको आप लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको उबालेंगे। ये एक पुड़िया है जंगी जुसादा का, इसको हम लोग एक गिलास पानी में अर्थात लगभग 200 ml पानी में डालेंगे। ये हो गया एक गिलास पानी, इसको हम डाल दिए। इसके बाद में गैस को चालू करेंगे, गैस चालू कर दिया, और इसके बाद हमने ये इस पे स्टोव पे रख दिया हमने भगोना को, और इसी में हम उबालेंगे। ये एक गिलास पानी है, और अब इस पुड़िया को फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार की औषधियाँ हैं घास की तरह, जो यूनानी औषधियाँ हैं, अर्थात ये यूनानी फार्मूला है, पर ये वहाँ का आयुर्वेद ही है, अपने यहाँ से ही वहाँ पे गया है। ये देखिए इस प्रकार से हरा हरा औषधि निकल रहा है, इसमें डाल देंगे हम लोग भगोने के अंदर, एक गिलास पानी के अंदर ये औषधि डाल दिए। अभी खाली हो चुका है पूरी तरीके से, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब इसके बाद में इसमें हम 2 से 3 डली गुड़ डाल देंगे, 20-20 ग्राम का डली है, लगभग 30-40 ग्राम हो गया है गुड़, इसको हम इसमें मिला देते हैं। गुड़ मिलाने से जो कफ रोग के जो भी काढ़े होते हैं वो अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, उनका अधिक अच्छा प्रभाव होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा भी कुछ देर में उबलने लगेगा। इसको थोड़ा थोड़ा चलाना भी पड़ता है बीच बीच में। चलाने से क्या होता है कि जो औषधियों का अर्क होता है वो अच्छे से पानी में और काढ़े में उतर आता है। ये एक चम्मच की सहायता से आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप देखेंगे ये कुछ देर में क्वाथ उबलने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये हल्की आंच पे उबलना चालू हो गया है, बॉयल होना चालू हो गया है लगभग। अब इसको हम लोग 10 मिनट तक ऐसे हल्की आंच पे उबालेंगे, और ये उसके बाद में लगभग 100 ग्राम पानी इसमें बचेगा, अर्थात जो काढ़ा रहेगा वो 100 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम लोग चाय छन्नी की सहायता से छान लेंगे, और फिर उसको रोगी को पिलाएंगे जिनको नज़ला जुकाम हुआ है, जिनको सर्दी हुआ है। अगर हल्का फुल्का बुखार रहता है तो उसमें भी इससे आराम हो जाता है, सर दर्द वगैरह में भी आराम होता है। तो हम लोग अभी इसी प्रकार से 10 मिनट तक वेट करेंगे। को काढ़े को उबलते उबलते लगभग 10 मिनट बीत गया है, अभी आधा बचा होगा। अब इसको हम लोग गैस को बंद करेंगे, और उसके बाद में इसको छान लेंगे चाहे छन्नी की सहायता से अथवा किसी कपड़े की सहायता से, और जब हल्का गुनगुना रहेगा तभी रोगी को पिलाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद में इसको हम सेवन कर सकते हैं जब हल्का ठंडा हो जाएगा, गुनगुना रहेगा, आराम से पीना है, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, ज़्यादा गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए लगभग ये आधा ग्लास अर्थात लगभग ये 100 ग्राम इसमें बचा हुआ है। तो हमारा ये काढ़ा बनके तैयार है, इसको हम लोग रोगी को सेवन करा सकते हैं।